नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। देश के 10 शहरों में क्रास्टिस्ट यात्रा करके एकता और ऑटोमोबाइल कला को बढ़ावा देने के लिए एक संदेश दिया जाएगा। अहमदाबाद में क्रास्टिस्ट यात्रा का एक बड़ा आकर्षक रंगीन कारों और कला के एक अनूठी प्रदर्शनी। देश के 10 शहरों में क्रास्टिस्ट यात्रा करके एकता और ऑटोमोबाइल कला को बढ़ावा देने के लिए एक संदेश दिया जाएगा। क्रास्टिस्ट द्वारा दूसरी वार्षिक क्रास्टिस्ट यात्रा अहमदाबाद पहुंच गई है, जो साबरमती रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में होगी। यह क्रास्टिस्ट की यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में कार के पुर्जों से फर्नीचर, नई कारों से लेकर पुराने जमाने की कारों सहित फर्नीचर और कला का आयोजन का बड़ा आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। पतंग उत्सव के लोगों के विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने सेल्फी लेने के लिए इस कला कार्य और रंगीन कार का सहारा लिया है। हम लोग जयपुर से स्टार्ट करा। मेरा नाम हिमांशु है और मैं फाउंडर हूँ कार्टिस का। हम लोग ने ये यात्रा जयपुर से 9 जनवरी को स्टार्ट करी। इसका मेन उद्देश्य इस बार का यात्रा का है यूनिटी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑटोमोबाइल आर्ट के थ्रू, नए नए मीडियम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाए। इस यात्रा के दौरान हम लोग 10 शहरों में जाएंगे, जहां पर हम 3 दिन की इवेंट करेंगे और यंग आर्टिस्ट डिजाइनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाके कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इस बार यूनाइटेडली हम लोग क्या क्या ऑटोमोबाइल वर्ल्ड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की इवेंट में हम लोग सबसे पहले तो एक हिंदुस्तान की सबसे पहली गाड़ी, जो ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में मानता हूँ, मारुति कार को पेंट करेंगे। आपके गुजरात के पुंज बापू ने ही हमारे को दी है। इसके अलावा हमारे साथ में आज करीब 100 आर्टिस्ट ऑटोमोबाइल और यूनिटी थीम पे पेंटिंग करेंगे। और कल हम एक प्लास्टिक की 5,000 बोतलों से एक स्कल्पचर ऑफ रोड बनाएंगे, जो बीट द प्लास्टिक का मैसेज देगी। पेश है गुजरात से अश्विन लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट।